नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि सनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि सनेश्चरम। यह शनि देव का पौराणिक मंत्र है। जो लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने के बाद अपनी नित्य क्रिया में शनि देव का स्मरण करते हैं, शनि देव के इस पौराणिक मंत्र का जप करते हैं, निःसंदेह वो लोग शनि के कृपा दृष्टि के पात्र होते हैं और शनि की साढ़े साथी धैया महादशा अंतरदशा के दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। हम आपको बता दें कि खरमास चल रहा है और आज है शनिवार और आज है एकादशी का दिन। इतने संयोग वो भी एक साथ है आज, इसीलिए आज का कालचक्र भी आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज कालचक्र में पूरे एक घंटे तक आपको हम ये बताने वाले हैं कि आज एकादशी की पूजा और एकादशी का व्रत किस तरह से किया जाए, किस तरह से करना चाहिए और किस तरह आज आपको माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ शनिदेव की कृपा भी मिल सकती है, जिससे कि आपको साढ़े साथी और धैया से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही आपको माला माल होने का भी वरदान मिलेगा। लेकिन कैसे जानेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल यदि आपका भी कोई सवाल है जिसको उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करिए नंबरों पर जो कि 01204602503 और 4602504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस दिसंबर 2013 दिन शनिवार, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात 12:40 तक, स्वाति नक्षत्र आज सायंकाल 4 बजे तक, राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक। आज सफला एकादशी व्रत है, ये सभी लोगों के लिए व्रत करने के योग्य है। याई जय योग शाम 4 बजे तक रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग भी आज सायंकाल 4 बजे तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग रात 12:40 से शुरू होगा, जो कल दिन में 3:19 तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। आइए सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं कि कौन सी एकादशी है आज। पंडित जी ने हालांकि जिक्र किया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानते हैं कि क्या है इस एकादशी का महत्व। पंडित जी, कौन सी एकादशी है? आपने कहा सफला एकादशी, ये कौन सी होती है और इसका महत्व क्या है? देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत सभी कार्यों में सफलता देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सफल करने वाला माना जाता है। एकादशी की रात में जागकर पूजन करने पर, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर विशेष रूप से मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी पर व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के सभी कार्यों में उन्हें सफलता मिलती है और उनका जीवन भी सफल हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं। हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आप जरूर देखिएगा कालचक्र, क्योंकि नए साल की अगर हम बात करें तो भाई खुलने वाला है आपकी किस्मत का पिटारा। जी हाँ, करियर, पैसा, प्यार, परिवार, हर मुकाम पर बस तरक्की ही तरक्की, शोहरत और साथ ही किस्मत देगी आपका साथ, क्योंकि पंडित जी 4 दिन लगातार बताएंगे आपको आपकी राशि अनुसार 2014 में आपकी किस्मत का हाल। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अब राशियों का दैनिक राशिफल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए, आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निःसंदेह बहुत अच्छा रहेगा, काफी चुस्त दुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। अगर शासन सत्ता में कोई फाइल आपकी लंबित है तो निश्चित रूप से अब आपको सफलता मिलेगी और शासन सत्ता से आपके काम बनेंगे। बच्चों से जुड़ी हुई
यदि कोई परेशानी है, चाहे वो विवाह से संबंधित है, चाहे जीविका से संबंधित है, उसमें भी सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है, यह धन आपको विदेश से भी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अगर कहीं आपका धन रुका हुआ है और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका पैसा मिल जाए, तो आज उसके मिलने का योग बन चुका है। आपके बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा और आपको लगेगा कि आपका जीवन अब धन्य हो चुका है, क्योंकि आपके बच्चे जो यश और कीर्ति आपको दे रहे हैं, उससे आपको काफी संतोष होगा। आज साहस और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। थोड़ी सी अस्वस्थता के बावजूद भी आप काफी चुस्त दुरुस्त नजर आएंगे और काफी क्रियाशील बने रहेंगे। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनके साहस और पराक्रम के बढ़ने का दिन है। आज आपको व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा और बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज रुके हुए सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। आज आपको चाहिए कि शनि देव का तेल से अभिषेक करें। जय माँ विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आमदनी के नए नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं, आमदनी का नया जरिया आपको प्राप्त होगा और परिवार में एक खुशी का माहौल होगा। आज परिवार के लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन भर की तपस्या आज सफल हुई है। परिवार में खुशी का माहौल होगा और समाज में परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बच्चों से अगर जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से समाप्त होगी। आपको चाहिए कि आप मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। कमलेश जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए कमलेश जी। पंडित जी मेरे बच्चों के लिए पूछना, मेरा बड़ा बेटा इंटरव्यू तक पहुँच के भी क्लियर नहीं हो पाता, छोटा बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही, क्या कारण है पंडित जी मुझे बताइए। और छोटे प्रणाम पंडित जी, आज मैं खूब खुश नसीब हूँ कि मेरा कॉल लग गया। जी सदा सुखी रहिए, ईश्वर आपका कल्याण करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने बेटे के भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय मकर राशि में स्थित है, और पंचम भाव से नवम भाव का स्वामी बुध है जो शुक्र और बुध की द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है। अभी इनके जीवन में चमत्कार हो, तरक्की आए, इसके लिए कम से कम मई महीने तक का इंतजार करना होगा। और आपके बेटे को चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर किया करें, और बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर के लड्डू और दूब घास, ये दोनों चीजें गणेश जी को चढ़ाया करें, इससे निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होगा। मुंबई से दर्शक जुड़ गई हैं। गायत्री जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार, मैं गायत्री बोल रही हूँ मुंबई से। मेरी जन्म तिथि है 2/9 जी। हाँ 2/9/85 6:45 और मेरे पति की पति का जन्मदिन है 14/2/83 6:15 सुबह के। तो मुझे अपने घर मकान के मकान कब बनेगा और संतान कब होगी, और मुझे नौकरी के बारे में भी मुझे पूछना था, हमारा भविष्य कैसा रहेगा। और एक मेरे बहन के बारे में भी पूछना था, उसका जन्मदिन है 15/2/88 सुबह के 11:45 उसकी शादी में देरी हो रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने मकान के संदर्भ में प्रश्न किया है। शुक्र शनि का चतुर्थ दशम दृष्टि योग
ये गुप्त बहरा दृष्टि का संदेश है। अभी आपका मकान बनने में बहुत विलंब की स्थिति है। आपका मकान बनने में कम से कम 3 से 4 वर्षों का समय लगेगा। 4 वर्ष से कम अभी समय में आपका घर बनने का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक आपने संतान का प्रश्न पूछा है तो बताऊं कि शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम की है। आपको संतान प्राप्ति के लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए और अपने शारीरिक रोग को दूर करा के ही आप संतान प्राप्ति कर सकती हैं। निश्चित रूप से आप किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें। आज हम बात कर रहे हैं सफला एकादशी की, क्योंकि आज है सफला एकादशी। ऐसे में आइए पंडित से जानते हैं कि आज के दिन का व्रत कैसे रखा जाता है और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कैसे आज के दिन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, व्रत की विधि क्या है और जो व्रत नहीं करते वो क्या कर सकते हैं? देखिए, कई बार कार्यक्रमों में मैंने एकादशी व्रत पर आप लोगों से चर्चा की है। आज भी बताना चाहूंगा कि व्रत करने वाले व्यक्ति को दसवीं तिथि से ही व्रत शुरू करना होता है। अर्थात एकादशी जिस दिन व्रत करना है उसके पहले शाम से ही नमक का त्याग कर देना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। जैसे आज जो लोग व्रत करेंगे उनको चाहिए था कि कल शाम से ही नमक का त्याग कर दें। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अगर हो सके तो आप सफेद वस्त्र धारण करें या आप पीला वस्त्र धारण करें। माथे पर चंदन का तिलक करने के साथ कमल या वैजंती का फूल, फल, पंचामृत, धूप दीप और नैवेद्य से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आवाहन, भगवान श्री हरि विष्णु का आंख बंद करके ध्यान करते हुए आवाहन करें कि हे देव, आप मेरे सामने पूजन के लिए उपस्थित हों। आसन, उन्हें बैठने के लिए मन ही मन एक दिव्य सिंहासन की रचना करके और उस पर उनको मन ही मन बैठाइए। पाद्य, थोड़ा सा जल एक कटोरी में लेकर के उनके चरणों को धोने के लिए, उनके पैरों को धोने के लिए आप निवेदन करें। अर्घ, थोड़ा सा जल लेकर के उनके दाहिने हाथ पर गिराने की कोशिश कीजिए। आचमन, इसके बाद स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात फोटसोपचार पूजन। अगर आपको पुरुष सूक्त के मंत्र आते हैं, ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वता स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानोज दने नातिरोहति। अगर आपको पुरुष सूक्त के 16 मंत्र याद हैं या पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। ब्राह्मण और गरीबों को यथा संभव अन्नदान, वस्त्रदान जरूर करें। साथ ही इस दिन दीप दान करने का भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। जिस तरह से दिवाली पर और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर छोटी दिवाली जिसको कहते हैं जिस दिन दीपदान किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी दीपदान का महत्व है। रात में जागरण करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। व्रत मंगलकारी और पुण्यदायी हो जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उनको इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी की माला पर यथा संभव जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कपूर से करनी चाहिए और दिव्य भोग प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु को निवेदित करना चाहिए। एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए, इससे भी सफलता मिलती है और जीवन सफल होता है। आज एकादशी का पावन दिन है, साथ ही साथ आज शनिवार होने से शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में एकादशी और शनिवार के शुभ संयोग में आपके जीवन की तमाम परेशानी हरने का वक्त आ गया है, उनको दूर करने का वक्त आ गया है और साथ ही साथ आपके दामन में खुशियां बिखेरने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जी से। तो आइए पंडित जी जानते हैं कि अगर कुंडली में शनि दोष है और शनि दोष के कारण 7.5 है या फिर ढैया चल रही है तो आपको ये दोष दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि की 7.5 है या ढैया है, लोग परेशान हैं, कैसे इसे दूर किया जाए? देखिए, शनि की 7.5 का तात्पर्य है कि इस समय
कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। कर्क राशि और मीन राशि के जो जातक हैं, उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो आपको चाहिए कि आप किसी पवित्र नदी में हर शनिवार को काले तिल प्रवाहित करें। इससे शनि देव के जो कुपित दृष्टि है उससे आपका बचाव होगा और शनि की शांति होगी। लेकिन तिल प्रवाहित करते समय शनि देव से प्रार्थना भी जरूर करें। कुंडली में अगर शनि दोष है तो शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से पुराने समय से चली आ रही बीमारियां भी शांत हो जाती हैं। अगर आप सही में किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आप अपने मन में संकल्प लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक करिए भी। जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा तिल भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और शहद से अगर आप अभिषेक कर दें तो निश्चित रूप से आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कुछ भी संदेह की बात नहीं है। एकादशनी रुद्राभिषेक अर्थात रुद्राष्टाध्यायी का 11 पाठ करते हुए जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए जी साहब, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियो उसके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख, सानिध्य और माता का मार्गदर्शन आज आपके लिए वरदान साबित होगा। दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छे कार्यों से हो चुकी है और यदि प्रतियोगी परीक्षा में आज आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमानगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। संजू जी स्वागत है आपका। संजू जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है मनदीप, मनदीप सिंह है। उसका जन्म है 31 जनवरी 2002 सुबह 6 से 6:15 के बीच में राजस्थान में हुआ है। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुरु जी वो पढ़ाई में और शारीरिक रूप से काफी कमजोर है और उसको जो याद करता है वो भूल जाता है और उसको आगे किस क्षेत्र में पढ़ाई करे, उपाय बताइए गुरु जी। देखिए आपने जो अपने पुत्र के लिए प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपका पुत्र भावेश बुध इस समय अपने भाव से 5वें भाव में, अपने भाव से 7वें भाव में सूर्य के साथ धनु राशि में स्थित है और उससे 6वें भाव का स्वामी शुक्र 2वें भाव में है। बच्चे के अंदर काफी शारीरिक कमजोरी बनी हुई है। इसका शरीर विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये जरूर देखने में 13वें वर्ष में हो गया है लेकिन इसका शारीरिक विकास 9 साल के बच्चे की तरह है। आपको चाहिए कि आप इसके हाथ से शुक्रवार के दिन खीर बनवा करके किसी मंदिर में धर्म स्थान में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए दें। खीर में अगर हो सके तो थोड़ी सी केसर जरूर डालें। शिक्षा में भी खास चमत्कार ये बच्चा नहीं कर पा रहा है। पढ़ाई में चमत्कार करे इसके लिए आपको चाहिए कि सरस्वती चालीसा इसको पढ़ने के लिए बोलें और शुक्रवार और सोमवार के दिन बच्चे को सफेद वस्त्र धारण करवाएं। इससे निश्चित रूप से इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलिए रुक करते हैं इसी के साथ कन्या राशि का, जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप खर्च सोच विचार करके कीजिए वरना आपका आर्थिक संतुलन डगमगा सकता है। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज नया घर खरीदने के लिए अच्छा समय है, आप निर्णय कर सकते हैं। आपको चाहिए भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बेहद खास दिन। भाई आज के दिन कैसे हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी देवी माँ को कैसे प्रसन्न करें? माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो गई तो हम तो बस धन्य हो गए, कैसे उन्हें प्रसन्न करें? देखिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए।
और नित्य कर्म संसार कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य को प्राणायाम अर्घ दीजिए और प्राणायाम कीजिए। तुलसी के पत्तों की एक माला बनाइए, इसे महालक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को भी ये माला अर्पित की जा सकती है। तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसको हरि प्रिया कहा जाता है। और ये भी एक तरह से महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। एकादशी की रात में लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में अपना समय देते हैं, उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा तो अनायास ही बन जाती है। पूजा में गोमती चक्र, पीली कौड़ी और कमलगट्टे जरूर रखिए। ऐसा करने पर अस्थाई रूप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में माँ महालक्ष्मी का निवास होगा। एकादशी की शाम को किसी मंदिर में एक सुपारी और तांबे का लोटा जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस उपाय से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग एकादशी के दिन व्रत करके और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु में ही अपना मन लगाते हैं, हर समय उन्हीं के नामों का गुणगान करते हुए, उन्हीं की महिमा का बखान करते हुए पूरे दिन अपना व्यतीत करते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बढ़ते हैं तुला राशि की ओर, जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास देखने लायक होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपका कद बढ़ने वाला है, अर्थात आपका रुतबा, आपका अधिकार क्षेत्र, ये दोनों आज बढ़ने वाला है। दिन की शुरुआत भी आपकी किसी अच्छे काम से हो चुकी है और आज सुबह से ही आपके जीवन में शुभ शकुन हो रहे हैं। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको लाभ भी मिलेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में आप समय देंगे। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूरे होंगे। भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बढ़ते हैं धनुराशि की ओर, जानते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होकर के आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा और मन भी आपका आज काफी उत्साह में रहेगा। आज आपके मन में भी बड़ी खुशी रहेगी, एक शांति का माहौल रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा और आज आपका आत्मविश्वास और साहस रुके हुए कामों को पूरा करने में सहायक होगा। आज आपको चाहिए ओम सुम शुक्राय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आप पंडित से ये जानते हैं, यदि हमारी कुंडली में राहु और केतु खराब पोजीशन पर हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन हम कौन सा ऐसा आसान उपाय करें जिससे कि इनको शांत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए बेहद आसान से उपाय। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु अशुभ है, ये अशुभ कैसे होंगे? ये अशुभ तब होंगे जब वृश्चिक राशि में राहु बैठा हो और वृषभ राशि में केतु बैठा हो। तो ये राहु आपके लिए निःसंदेह, ये केतु आपके लिए निःसंदेह खराब होगा। तो आज सफला एकादशी पर आप पुराने काले कंबल का दान किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। इसके साथ ही काले उड़द का भी दान आप दोनों ग्रहों के लिए करें, इससे राहु और केतु दोनों की शांति होगी। अगर संभव हो तो काली उड़द की दाल चावल में मिला करके और उसकी खिचड़ी बना करके यदि आज जरूरतमंदों को भोजन कराया जाए तो इससे भी राहु, केतु और शनि तीनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और इनका जो कोप है वो शांत होता है।
आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अजय कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित जी जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। अजय का जन्म 15 जनवरी 1991 को 2:20 पर रात्रि में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। अजय आपकी कुंडली धनु लग्न की है और बेटा आपकी जन्म राशि मिथुन है। आपके जन्म लग्न का शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव इस मंगल के साथ आपके विद्यास्थान में बैठा हुआ है और इसके साथ द्वितीय और तृतीय शनि की भी युति है। शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है। आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य सुख के स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है जो 12 जून 2014 तक चलेगी। 12 जून 2014 तक आपको नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके बाद आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। शिक्षा में जहां आप अच्छा अपना नाम करेंगे, वहीं आपको सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि एक सुंदर सा माणिक्य सोने या तांबे में बनवा करके उसे आप अपने गले में धारण करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। पंडित जी ने हमें बता दिया कि किस तरह से हमें रखना है एकादशी का पावन व्रत। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि एकादशी का जो व्रत है जिसको हम रखते हैं उसका पारण कैसे करना है और इस व्रत के पारण में कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की बेहद जरूरत है। पंडित जी बताइए। व्रत के पूर्ण होने पर अर्थात एकादशी तिथि समाप्त होने पर द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने के बाद जब अन्न ग्रहण किया जाता है तो इसी को पारण कहते हैं। व्रत के बाद अन्न ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही पारण कहलाती है शास्त्र की भाषा में। तो एकादशी तिथि 28 दिसंबर को अर्थात आज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 6:55 से शुरू हो चुकी है। जो एकादशी तिथि 29 दिसंबर को कल 5:19 तक सुबह में रहेगी। तो व्रत के पारण का जो समय है कल अर्थात 29 दिसंबर को सुबह 7:17 से 9:20 के बीच है। एकादशी व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एकादशी व्रत का पारणा तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि में यदि किसी कारणवश पारण न किया जाए तो यह महापाप होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। यह क्या है हरिवासर? 1.5 घंटे का द्वादशी तिथि में हरिवासर भी होता है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात पारणा तिथि के दिन कल हरिवासर 9:20 पर प्रातः से 10:44 तक रहेगा और 10:44 पर समाप्त होगा। इसलिए एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:17 से 9:20 तक कर लेना चाहिए, या अगर इस समय नहीं कर सकते हैं तो 10:44 के बाद आप एकादशी व्रत का पारणा करें। 9:20 से 10:44 के बीच में आप पारणा कदापि न करें। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं अब मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको अचानक धन लाभ का योग बना हुआ है। निश्चित रूप से आज आपके जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। परोपकार के आपको नए अवसर भी मिलेंगे और आपको चाहिए कि परोपकार करिए, इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आपके फेवर में समय है। आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत का हाल। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और आपको प्रमोशन भी मिलेगा। मित्र और भाई ये दोनों आपके लिए लाभकारी होंगे। अगर आप अभी नौकरी में नहीं हैं और आप कुंभ राशि के जातक हैं तो किसी मित्र या भाई के सहयोग से आपके जीविका का मार्ग आज प्रशस्त होने वाला है, अर्थात आपकी रोजी रोटी का प्रबंध होने वाला है। घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उत्तम समय है, आप इस समय का चुनाव करिए। आपको चाहिए भगवान गणेश की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं आय व्यय का संतुलन आपके गड़बड़ न हो जाए। घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आज कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप करते हैं तो निश्चित मानिए आपको बहुत ही लाभ होने की संभावना बनी हुई है। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। आज आपको मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भीलवाड़ा से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रीति जी स्वागत है आपका। प्रीति जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रीति जी आप हमें सुन पा रही है? अंबाला से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी। हाँ प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ भीलवाड़ा से। जी प्रीति जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पूछना है। मेरे हस्बैंड की उम्र है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/10/74 जी, रात को 3:50 पे। जी, और क्या जानना चाहती है? भीलवाड़ा। क्या जानना चाहती है? मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ, ये 3 साल से बीमार है। और मैं अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ, मेरे गवर्नमेंट सर्विस के बारे में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/4/83 और जन्म समय है रात को 1:45 इंदौर। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी बुध और उससे छठवे घर का स्वामी मंगल, बुध और मंगल की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि बन रही है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आपके पत्नी की से आपके पति की सेहत वाकई में कुछ खराब चल रही है। और इस ग्रह रिष्ट से बचने के लिए आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख आप जप करवा दें। 1.25 लाख जप करने के बाद दवाई फायदा करेगी और राहत मिलेगी। जहां तक आपके नौकरी का प्रश्न है, आपको सफलता शीघ्र ही मिलेगी।